हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है बेटा आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं आपको साइंस पढ़ाने के लिए आता हूं और ऐसा कहता हूं कि जो बड़े बड़े चैप्टर है उससे भी हमने आजकल जो भी हमारी एक दो क्लास ओवर होगी उसमें हम सारे चैप्टर, लगभग दूसरा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर। चैप्टर तो हो जाता है जल्दी पूरा, पर क्वेश्चन आंसर करवाने पड़ते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो जल्दी जल्दी में एक दिन में भी सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जा सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लास है, इस कारण से आपको अच्छे ढंग से समझाने पड़ते हैं आंसर, इस कारण से थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि देखो शायद तीन क्लास हो गई है क्वेश्चन आंसर की, ये हो सकता है चौथी क्लास क्वेश्चन आंसर की होगी, बट यही कारण है कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ी क्वेश्चन आंसर में टाइम लगेगा बेटा। कल किसी कारणवश आपकी क्लास में नहीं ले पाया था, कुछ डोमेस्टिक रीजन था, इस कारण से विद्यालय नहीं आ पाया और उसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई। फिर भी मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है जिसमें 12 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, विद जो सारे रिलेटेड थे इसी चैप्टर के रिलेटेड थे, सारे 12 क्वेश्चन मैंने दिए थे। उम्मीद करता हूँ वो आपने क्वेश्चन किए होंगे और लर्न किए होंगे। आज वापस आ गया हूँ और आज बेटा हम आप बुक में निकालना पेज नंबर 60 और 61। हमने वेरी शॉर्ट आउट प्रकार की कर लिए थे, आज क्वेश्चन सी करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। कौन से करने हैं? सी वाला क्वेश्चन करना है और ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है बेटा, राइट द यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इन अवर डेली लाइफ। आपके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली, आपके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो भी सिंथेटिक फाइबर्स है उसका यूजेज क्या है, डेली लाइफ के अंदर जो आपकी चीजें यूज आती है उसका आपको यूजेज लिखना है। वैसे देखो बेटा बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जो हमारी डेली लाइफ में यूज आती है जो सिंथेटिक से रिलेटेड होती है, सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड होती है, हम उसकी बात करेंगे। तो आप नोट करते जाना, मैं आंसर इसका लिखवा रहा हूँ, आपको बुक में अलग अलग जगह से ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं आपको करवा देता हूँ। तो आप आंसर नोट करना, लिखना आंसर और शुरू कीजिए। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, THER, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स यानी कि बहुत सारी थिंग्स वस्तुएं ऐसी होती है वी यूज इन अवर डेली लाइफ, इन अवर डेली लाइफ। तो मैंने क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं होती है जिसका या जिसका हम उपयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में और जो किससे बनी हुई होती है, सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई। तो विच आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, जो किनसे बनी हुई होती है, सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई होती है। उसके जैसे मैं बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करता हूं तो सारे एग्जाम्पल्स में कौन कौन से, जैसे पहली बात में सिंथेटिक फाइबर SINTHETIC, जैसे सिंथेटिक फाइबर की वस्तुएं होती है, उसके अलावा सिंथेटिक रबर की वस्तुएं होती है, उसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर की होती है, POLYMERS पॉलीमर्स की होती है, उसके अलावा LEATHERS लेदर्स की होती है, लेदर्स यानी कि चमड़ा जो होता है उस चमड़े की होती है, उसके अलावा टूथब्रश जो होते हैं, हम ब्रश करते हैं जो टूथब्रश होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा FILLERS फिलर्स इन PILLOWS पिलोज, यानी तकियों में जो भी भरा जाता है, जो तकिया आते हैं गद्दे वगैरह आते हैं उसमें जो भरा जाता है वो हो गया, उसके अलावा CARPET कारपेट हो गया, कारपेट्स यानी कि आपकी जो दरिया होती है या कालीन होती है वो हो गई, उसके अलावा कारपेट बैकिंग हो गया CARPET BAKING, कारपेट बैकिंग हो गया BACKING होगा बेटा, ठीक है ना, BACKING कारपेट बैकिंग। उसके अलावा मोस्ट पॉलीमर जो होते हैं
ये बात यहां देखिए। उसके अलावा मोस्ट पॉलीमर्स अधिकतर पॉलीमर्स जैसे PAINTED पेंट हो गया एंड INK इंक हो गया, पेंट हो गया, उसके अलावा इंक हो गया, उसके अलावा मोस्ट डाइस हो गया DYES, तो डाइस की जाती है ना बालों में रंग कह सकते हैं, डाइस हो गया एंड पिगमेंट्स एंड PIGMENTS एंड और कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और उसमें मोस्ट क्या होता है, ड्रग्स होता है। ये सारे यूजेज किसके हैं, प्लास्टिक के हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर मेनी इसके अलावा देयर आर मेनी मोर सच थिंग्स देयर आर मेनी मोर सच थिंग्स विच आर मोस्ट ऑफ कह सकते हैं सिंथेटिक मटेरियल्स, जो कि विच आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, विच आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स। ये आंसर लिखा बेटा, और इस आंसर में आप थोड़ा नोट करना, जो आपकी बुक में ये दे रखा है ना कि डेली लाइफ के अंदर सिंथेटिक फाइबर का यूज दे रखा है, और जो फाइबर का यूज दे रखा है ना उसमें आपको क्या करना है कि आपको करना है जो मैं क्या करवा रहा हूं आपको, ये जो मैम सिंथेटिक मटेरियल्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो मैंने सिंथेटिक मटेरियल्स लिखा है, तो आप बुक में सिंथेटिक फाइबर दे रखा, सिंथेटिक फाइबर्स के यूज, तो उस फाइबर में बात करूं, जैसे आप नायलॉन का लिख सकते हो बीच में यूज, उसके अलावा आप रस्सियां बनाने का हो गया, पैराशूट का हो गया, ये सारे भी वो फाइबर्स में लिख सकते हैं। मैंने एक तरह से कॉमन लिखवा दिया है, कॉमन कैसे, तो जैसे चाहे सिंथेटिक फाइबर नहीं लिख करके मैंने सिंथेटिक मटेरियल यानी दूसरी सामग्री भी ले ली, जिसमें मैंने क्या ले लिया है, सिंथेटिक मैंने रेसा भी ले लिया है, उसके अलावा मैंने सिंथेटिक प्लास्टिक भी ले लिया है, उसके अलावा मैंने सिंथेटिक आपके रबर ले लिया है, पॉलीमर्स ले लिए हैं, तो मैंने सारे कॉमन करवा दिए। उसके अलावा और भी आप यूजेज लिख सकते बीच में, जैसे टू मेकिंग रोप्स हो गया, रस्सियां बनाने के लिए, उसके अलावा क्लॉथ्स बनाने के लिए, वो सारे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, तो भी आपका सही रहेगा। तो ये आप पहले का आंसर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। आपको याद हो तो बेटा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, किया था ना पहले, हाँ ये तो नहीं करना आपको, ठीक है ना, ये हमने क्वेश्चन किया था जो आपका पांचवा क्वेश्चन था, जब हमने किया था एनसीईआरटी पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, देखो पीछे जाकर ये नहीं करना, थर्ड की बात करेंगे, जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन किए हमने पहले, 15 क्वेश्चन पहले किए, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन देखना बिल्कुल डिटो है, बिल्कुल सेम है, तो वो नहीं करना है। अब बात करते हैं व्हाट इज पीईटी, मेंशन इट्स यूजेज, पीईटी क्या है और मेंशन इट्स यूजेज यानी उसके उपयोग को भी मेंशन करना है, तो निकालो जहां पर आपने पढ़ा था, कहां पढ़ा था पीईटी, पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर, सॉरी थर्ड तो करना है ना, सेकंड नहीं करना, थर्ड आंसर है पेज नंबर 49 पर, 49 पर देखो पीईटी लिखा हुआ है, पीईटी पूरा करना है, उसके बाद उसके यूजेज करने पूरे, पहले तो पीईटी करना है उसके बाद यूजेज करना है। पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थेलेट, पॉलीइथाइन टेरेप्थेलेट जो है वो है पीईटी, पढ़ा था ना वो, बहुत पॉलिस्टर के बहुत फेमिलियर था, जिसका यूज बॉटल्स बनाने में होता है, यूटेंसिल्स की फिल्म बनाने में होता है, वायर्स बनाने में होता है, वो प्रिपेयर किसके किया जाता है, तो आगे पॉली जुड़ गया, इसका मीन्स किसे, एथिलीन टेरेप्थेलेट से क्या किया जाता है, तो उसका पॉलीमरिजेशन किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको पता चल गया होगा। फिर उसके नीचे ही उसके यूजेज दे रखे हैं सारे,
तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4th है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, रयन क्या है, हाईलाइट द यूजेज ऑफ रयन। क्या है रयन, और रयन के यूजेज को हाईलाइट करना, यानी उसके यूजेज आपको लिखना है, ठीक है। तो बेटा निकालो, देखो पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पेज पर रयन है, इसमें लिखा हुआ रयन क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको रयन शुरू करना है, और वो शुरू करना मैं कहां से, मैं बता देता हूं, सेकेंड पैराग्राफ से ही शुरू करना है। द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन और वुड सेलुलोज। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फाइबर बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। हाँ हाँ, यही करना है, यहाँ द रॉ मटेरियल से लेकर के चारों स्टेप तक करना है, बहुत बड़ा है। द रॉ मटेरियल से कहां से करना, द रॉ मटेरियल यानी कि सेकेंड पैराग्राफ है, और सेकेंड पैराग्राफ से आपको करना है मैन सिंथेटिक फाइबर तक कर देना, सिंथेटिक फाइबर यानी सेकेंड पैरा पूरा कर देना, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, चारों स्टेप नहीं लिखने है, छोड़ो। उसके बाद यूजेज को हाईलाइट करना है, तो एड यूजेज, उसके बाद उसके यूजेज करना है। यूजेज देखो कितने दे रखे हैं, 47 पर है 2, तो उसके अलावा एक और आगे 3 यूजेज है, तो यूजेज तीनों करने हैं, यूजेज ऑल 3, पूरे 3 करने हैं। और ये कहां से करना है, तो सेकेंड पैरा पूरा करना है, सेकेंड पैरा द रॉ से शुरू हुआ हुआ है जो कि फाइबर पर समाप्त हो रहा है, यहां से करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और वो है आपका कौन सा, व्हाट इज 4R प्रिंसिपल। ये तो आपको पता ही होगा 4R प्रिंसिपल क्या है, हाँ ये तो पता है, हाँ ये तो पता ही होगा, कैसे पता, ये तो आपको मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा मैं बता देता हूँ। देखो वो तो थे ना, रिसाइकल है, रीयूज है, उसके अलावा रिकवर है, हाँ हाँ, 4R प्रिंसिपल क्या है, तो 4R प्रिंसिपल आपके है, पेज नंबर निकालो बेटा 55, क्वेश्चन नंबर ये है, पेज नंबर 55 पेज संख्या, जहां पर 3.5.2 लिखा हुआ है, 3.5.2 क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज बाय प्लास्टिक, प्लास्टिक के कारण होने वाली समस्याओं पर नियंत्रण के तरीके दे रखे हैं, उसमें आपको तरीका नंबर 4, चौथा तरीका लिखना है, फोर्थ मेजर, MESUR, फोर्थ मेजर यानी चौथा तरीका जो दे रखा है, वो चौथा तरीका आपको लिखना है। इसमें लिखा ना, इरेस्पॉन्सिबल एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर्स द 4R प्रिंसिपल्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ये चारों नाम लिख देना, ज्यादा बड़ा लिखना चाहते हो तो आपके पास 7 की बुक होगी या 6 की बुक होगी आपके पास, उसमें अंत में चैप्टर में देखना, आखिरी चैप्टर्स में देखना, या तो 7th में है या 6th में है, वो कन्फर्म थोड़ा मालूम नहीं है, वहां आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा, आपको रिड्यूस क्या होता है, रिकवर क्या होता है, वो आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब आगे क्या है, तो आगे आ जाते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर वाले आ जाते हैं। ये क्या करेंगे हम, हमारी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है आपने के, क्वेश्चन आज हो गए होंगे काफी, 5 क्वेश्चन हो गए, एक नहीं करना है तो 4 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं, ये आपको होमवर्क में करना आज, कल की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर करेंगे, और समय रहा तो ई वाला, एफ वाला, सी जी वाला, एच वाला, आई वाला, वो सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, बस एक और क्लास चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास चाहिए, और 2 क्लास में हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे आगे वाला 4th ही शुरू करेंगे, मटेरियल्स वाला, मेटल एंड नॉन मेटल से शुरू करेंगे। वो सेकेंड चैप्टर का जो मैंने बोला बेटा, वो हम बाद में करेंगे, तो बाद में ही करेंगे, इसका मतलब ये हम बीच में नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे, जब आपकी स्कूल ओपन होंगी और अब जब आप ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट होगी तब सेकेंड चैप्टर करेंगे, तब तक हम ऐसे आगे चलते रहेंगे, जो इजी चैप्टर है वो पहले करेंगे, यानी कल की क्लास में कौन सा करेंगे, जो भी कल परसों ये चैप्टर पूरा होने के बाद चैप्टर 4th ही शुरू करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स का।
उम्मीद करता हूँ बेटा आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, आप बड़े बच्चे हो, मुझे आपसे उम्मीद बहुत है। इस कारण से आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे, साथ में लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में टाइम कम बचाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी सेप्टेम्बर समाप्त होने वाला है, हो सकता है 15 अक्टूबर तक स्कूल ओपन हो, तो फिर कम समय है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, साथ में लर्न करते रहिए। अब बेटा मैं चलता हूँ, विदा लेने का समय आ गया है, और तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रश्नचित रहें, आह्लादित रहें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।